आज ना थोड़ा अच्छा खाने का मन कर रहा है, मतलब साग। रुको तो चलो आज हम खाएंगे एक साग। तो कैसा साग मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। इसको लेके जाना है अंदर, नहीं तो ये ना गीला हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो काला साग, ठीक है। तो ये लाई है, इसको खाएंगे आज हम। अब कैसे खाएंगे वो आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। तो ये ले लिया है, ये धनिया पत्ता और लाई ले लिया है। इधर तो ग्रीनरी ग्रीनरी है, इधर तो पूरा भर गया है। अरे मेरा जो डहलिया का पेड़ है ना वो भी बच गया है प्रॉपरली। ये देखो, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से। हो ये, चलो अभी अंदर चलते हैं, माधव रो रहा है। तो ये है ढेर सारे लाई साग और ये है धनिया पत्ता। तो क्या पकाओगे आज साग? हाँ, साग चटनी, साग बाटा ना। मिट्टी थोड़ी देर बाद निकाल लेना, मेरा आग जला दो थोड़ा। और यहाँ पे देखो गर्म पानी दे रहे हैं और यहाँ पे दूध उबाला जा रहा है। गर्म पानी इसलिए क्योंकि जो हमने गमले बनाए थे वो ना बाल्टी से छूट नहीं रहा है, तो उसमें गर्म पानी डालना पड़ेगा। तो आज ना मैं मज़ेदार एक चीज़ बनाने वाली हूँ जो आप भी घर पे बैठे ना बना सकते हैं, काफ़ी ईजली है। बस आपके पास ना एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, सिलबट्टा। ग्राइंडर में भी हो जाएगा लेकिन जो सिलबट्टे का जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं मिलता है। तो मैं जो ये गाजर देख रहे हो ना, ये गाजर मैं दूसरे सब्जी के लिए काट रही हूँ, मतलब पनीर के लिए काट रही हूँ। पनीर, आलू, मटर और गाजर, तो ये अलग सब्जी बनेगा। और जो मैं दूसरी बात बोल रही हूँ उसमें गाजर नहीं डलेगा, उसमें लाई का पत्ता डलेगा खाली, और लहसुन और मिर्च। तो जैसे जैसे मैं करूँगी ना वैसा वैसा आप भी करना, और कभी ऐसे बना के खाना ज़रूर। ये काफ़ी यम्मी लगता है गाइस, यम्मी। मतलब ये अधिकतर हमारे बंगाली में खाया जाता है ऐसा बाटा। और सिलबट्टा होना बहुत ज़रूरी है, ग्राइंडर में उतना मज़ा नहीं आता जितना कि सिलबट्टे में। तो इधर मैं कुछ मटर भी छील ले रही हूँ, और मैंने साग ना धो दिया था, तो इधर मेरे हस्बैंड ने मेरे को ना चूल्हा जला दिया है। अभी मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ सरसों का तेल, और इसमें थोड़ा सा डालूँगी जीरा। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है हरी मिर्च और लहसुन को भी डाल दिया है, साथ साथ मैंने ये पत्तों को भी डाल दिया है। तो इसको ना हम फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करने के बाद थोड़ा सा नमक भी डाला है, थोड़ा हल्दी भी डाला है। मैं बाद में हल्दी डालना दिखा दूँगी, अभी तो फ़िलहाल डाला नहीं है। तो बाद में मैंने हल्दी भी डाला है, दो मिर्च और भी मैंने काट के डाल दिया है। पहले दो डाला था, अभी दो डाला है, क्योंकि पहले वाले जो दो मिर्च डाले थे ना उसमें ज़्यादा मिर्चा होगा नहीं, तो इसलिए मैंने बाद में फिर से दो ऐड कर दिए हैं। आप अपनी क्वांटिटी में आप क्या कहते हैं मिर्चा डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद है। हमें तीखा खाना पसंद है तो हम तीखा बना रहे हैं। तो और हो सके ना चूल्हे में करें, जो कुछ भी मैं कर रही हूँ जैसे से मैं कर रही हूँ वैसे ही सेम टू सेम आप भी करें। सिलबट्टा चूल्हा गैस पे भी बनता है, लेकिन जो होता है ना ट्रेडिशनल वाला वैसा और कहीं नहीं मिलता है। जो ट्रेडिशनल में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है, मतलब चूल्हे में प्लस सिलबट्टा, ये इन सब चीज़ों का जो स्वाद है ना उनका स्वाद ही कुछ अलग ही होता है। एकदम जो विलेज वाला जो होता है ना वैसा स्वाद आता है। तो देखो इधर मैं सिलबट्टे में ना इन साग को पीस ले रही हूँ, तो थोड़ा दिक्कत होता है पीसने में, लेकिन पीस जाता है। जो जिनकी आदत है ना वो पीस लेंगे, मेरी आदत नहीं है इसमें पीसने की, फिर भी मैं पीसती हूँ। मतलब जैसे तैसे मेरे को सिलबट्टे में पीसना नहीं आता है, मैं हर कहीं लगा लेती हूँ तो इसलिए मुझे पीसना नहीं आता है। बट फिर भी मेरे को शौक़ है पीसने का, फिर भी मैं पीसती हूँ। चिकन विकन जब भी बनाती हूँ ना कोशिश करती हूँ मैं सिलबट्टे में ही करूँ। तो जिस दिन मुझे बहुत मन होता है चिकन बनाने का बहुत अच्छे तरीके से, तब मैं सिलबट्टे का यूज़ करती हूँ। जब मुझे मन नहीं होता है कि जल्दी करना है तो उस दिन मैं बहुत जल्दी स्पीडली काम करती हूँ, मतलब ग्राइंडर चला देती हूँ। ये ना ग्राइंडर में भी पिस जाएगा, लेकिन नहीं करना यार,
एक तो मेहनत से हम बना रहे हैं, खाने का मन कर रहा है, और अगर हम मशीन का यूज़ करें थोड़ी ना मज़ा आएगा इसको। मतलब देसी देसी स्टाइल में करना है हमें। तो देखो ये हमारा अच्छी तरीके से पिस चुका है, अब एकदम से ना मतलब महीन कर लेना है इसको। और काफ़ी मज़ा आता है गाइस, काफ़ी ज़्यादा ठंड में ना इन सब वही बाटा वाटा खाने का ना अलग ही मज़ा होता है। मैंने साइड में हस्बैंड को बोला कटोरा दे दो मुझे, और देखो इधर मैंने काफ़ी अच्छा सा एक गोला बना लिया है, और काफ़ी मतलब टेस्टी भी लग रहा है देख के। नमक वमक सब एक साथ डाल दिया था, आप चाहो तो बाबे भी डाल के खा सकते हो, आपकी क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है, क्वांटिटी के हिसाब से आप डालना। ऐसा नहीं कि ज़्यादा डाल दिया या फिर कम डाल दिया, ऐसा नहीं, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ना उसमें नमक डालें फिर फ्राई करें। तो इधर जो मैंने काटा था आलू गाजर टमाटर ये सब मैंने अभी साइड में ना धो धा के रख दिया है, और ये कुछ चाय के बर्तन हैं इनको भी धो दिया है। दीदी सुबह चली गई है, देखो यहाँ पे पूजा वूजा का बर्तन वर्तन सब धो धा के चली गई है। मैं दीदी को बोलती हूँ दीदी आप ना यहाँ सिंक में ही धोया करो, खाली खाली वहाँ पर नल में बैठ के ना फिर हमारा आने जाने का जो है ना वो फिर रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और यहाँ देखो ये लोग कन्हैया कृष्ण कन्हैया सजे हैं, राधा सजे हैं, ये लोग मतलब ना छोटे बच्चे हैं, ये लोग ये सब काम करते रहते हैं। कुछ बच्चे हैं ना हमारे घर के साइड में बहुत खेलते हैं ये लोग कृष्ण राधा बन के। तो कितना दिया था? दो। तो इसको ना चिमटे की जरूरत नहीं है। क्यों? हो क्या उसको? तुम पहले वो जला दो प्लीज। हाँ तुम ऊपर यहाँ पे करके छेदो ना। वो मैं छील लूंगा, वहां जाके छील लूंगा, तुम पहले जला दो फटाफट, ड्रामे मत करो। लो अरे देखो भी पानी लेके आया, देखो मीठा आलू, अरे क्या बोलते हैं इसको, शकरकंद, अभी खाते हैं इसको। यम 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 यम। जूता सो गया मेरा, आज याद आया मेरे को जब शादी की बात हुई। शादी में जाओगे आज? चलेंगे, मम्मी पापा चाहेंगे ना लेके चलेंगे। तो गाइस इसको ना आज बहुत कोशिश किया फिर भी नहीं खुला, ये गर्म पानी दिया बहुत ज़ोर ज़ोर से पटक मारा फिर भी नहीं खुला। तो देखते हैं और भी सूखने के इंतज़ार करते हैं। और यहाँ पे आज क्लीन कर दिया है क्योंकि ना देखो इतने सारे कबाड़ थे यहाँ पे, ये देखो ये सब कबाड़ थे इसमें, क्योंकि ना यहाँ पे पानी गिरता है तो मतलब छत ख़राब होने का डर था, लेकिन इसको एक बार धोना पड़ेगा। और ये सब ईटा भी यहाँ पे था, और हम यहाँ से जब छत में आते हैं ना तो दिक्कत होता है काफ़ी, अब आराम से आ सकते हैं। और एक खुरपी भी यहाँ रह गया था यार, चलो इसको ले चलते। क्या हुआ नहीं गला? बहुत मीठा है।